ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, हमारे पास जो नंबर लाइन है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एंड बीच में क्या आता है? जीरो। वी हैव नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, हाँ है ना, राइट? अब इन नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करूंगा तो क्या क्या आएगा? पॉजिटिव। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस टू का स्क्वायर पॉजिटिव, राइट? एंड जीरो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। मैं इनको कंबाइन करूं अगर, तो देखो जितने भी रियल नंबर हैं या तो उनका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा या तो जीरो। तो कहने से रियल नंबर जो है उनका जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, हाँ है ना? जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं सारे के सारे रियल नंबर्स का जो स्क्वायर है वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हाँ है ना? राइट राइट। देखो अब अगर मान लो इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो यहां पे x एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर क्या आ रहा है? नेगेटिव। x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है? नेगेटिव। x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है? नेगेटिव। अभी तक हमने क्या बोला कि रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव या फिर जीरो। रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? या तो पॉजिटिव या तो जीरो। तो यहां से हमें यह तो पता चला कि भैया x यहां पे रियल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि x रियल नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव या जीरो होता है, यहां पे x एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पे x जो है वो हमारा रियल नंबर नहीं हो सकता। तो रियल नंबर का ऑपोजिट क्या हुआ? रियलिटी का ऑपोजिट इमेजिनरी। तो यहां पे रियल नंबर का ऑपोजिट क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। तो इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेंगे वो कौन से नंबर होंगे? इमेजिनरी नंबर, ठीक है? इन इक्वेशंस को जो सेटिस्फाई करेंगे वो कौन से नंबर्स होंगे? इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर हुआ? हाँ वो भी करूंगा ना। किसका? नाइन का आएगा, माइनस नाइन है ना उधर, मैं अभी कर रहा हूं। देखो अब जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? टू या प्लस माइनस टू? प्लस माइनस। ये पता कैसे आया प्लस माइनस? एक एक हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली देखो इसके अंदर टू रखा तो टू का स्क्वायर भी फोर होता है, माइनस टू का स्क्वायर भी आएंगे तो दोनों, लेकिन आए कैसे? इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, बेसिकली फोर को लिखा टू का स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो या अगर ये जीरो हुआ तो x इक्वल टू माइनस टू, ये जीरो हुआ तो x इक्वल टू टू, तो दोनों मिला के x इक्वल टू प्लस माइनस टू आ जाता है। बेसिकली इसको ऐसा लिखते हैं, देखो यहां से अगर इसका आंसर निकालना है ना, तो जो भी इधर नंबर लिख रखा है उसका स्क्वायर रूट कर दो एंड आगे प्लस माइनस लगा दो ऐसा। एंड अच्छा देखो x के इक्वल टू फोर का आंसर तो x इक्वल टू प्लस माइनस टू आ गया, x इक्वल टू रूट फोर का आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस ही नहीं आएगा? नहीं, इसका आंसर हमेशा टू आएगा, ठीक है? क्योंकि रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं आता, ये इसकी डेफिनेशन में रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे रूट अलग चीज है, यहां पे देखो जरा रूट अलग है इसका, जब क्या फोर का रूट अलग हुआ आगे प्लस माइनस अलग आया क्योंकि दो फैक्टर्स अलग अलग बन जाते हैं इसके कारण प्लस माइनस आया। ये समझ में आया पक्का? तो अब इन शॉर्ट ये पूरी चीज का कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को ये इक्वेशन आए x के इक्वल टू फोर तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ फोर या x इक्वल टू प्लस माइनस टू, एक तो ये चीज आ गई। और अगर डायरेक्टली मेरे को x इक्वल टू रूट फोर लिखा हो तो इसका आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू टू, एक तो ये चीज थी। तो अब यहां पे देखो जो भी इधर नंबर लिखा हो उसका रूट कर दो एंड आगे प्लस माइनस लगा दो, ये x की वैल्यू आ जाएगी। यही था हमारा, जो भी अंदर जो भी नंबर है उसको अंडर रूट के अंदर लिख दो आगे प्लस माइनस लगा दो, राइट? ऐसे इधर x का प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस वन, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस वन। क्लियर है? अब क्लियर है? यस सर। अब देखो जो माइनस फोर का रूट है उसको मैं लिख सकता हूं माइनस वन इंटू फोर का रूट, दैट इज माइनस वन का रूट इंटू फोर का रूट, अलग अलग हो गया ना। रूट का मतलब क्या होता है? पावर वन बाय टू, और पावर वन बाय टू तो अलग अलग हो जाती है। तो ऐसे ही इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस नाइन के रूट को माइनस वन का रूट इंटू नाइन का रूट
तो ये बन जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस वन रूट ऑफ नाइन, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस वन, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस वन इंटू रूट फोर। क्लियर हुआ? देखो अब एक चीज ऑब्जर्व करो, जितने भी ये नंबर हैं इनके आंसर में हमारा ये चीज कॉमन आ रही है ना, राइट। एंड इनफैक्ट अंडर रूट ऑफ माइनस वन जो है यही एक ऐसी चीज है जिसका स्केयर करने पे क्या आएगा, अंडर रूट और स्केयर हट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वन। ये पता कैसे हुआ या नहीं पता तो बोल के नहीं रहे। देखो माइनस वन का स्केयर रूट का मतलब क्या है, माइनस वन की पावर वन बाय टू। ये पता है ना स्केयर रूट वन बाय टू होता है पावर, राइट। अब अगर मैंने स्केयर किया तो ये टू टू कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर वन, दैट इज माइनस वन। तो स्केयर रूट ऑफ माइनस वन जो होगा, स्केयर रूट ऑफ माइनस वन का जो स्केयर होगा वो माइनस वन हो जाएगा। ये क्लियर हुआ पक्का, राइट। तो बेसिकली हाँ जी एक बार, अरे मैं बोल रहा हूँ प्रभ की स्केयर रूट ऑफ माइनस वन जो है, स्केयर रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाय टू। यस सर। तो माइनस वन की पावर वन बाय टू और ये वाला स्केयर है, दैट इज पावर की पावर जो होता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हाफ और टू मल्टीप्लाई होकर वन हो जाएगा, तो बचेगा माइनस वन की पावर वन, दैट इज माइनस वन। ओके सर। तो माइनस वन का स्केयर रूट जो है ये वाली चीज, ये एक ऐसी चीज है जिसका स्केयर मेरा एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, दैट मीन इसका स्केयर क्या आ रहा है, माइनस वन। ये चीज क्लियर हुई, यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जिसका स्केयर करने पे हमारे पास हमें माइनस वन मिल रहा है, राइट। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, आई आयोटा, ताकि हमें हर बार अंडर रूट ऑफ माइनस वन अंडर रूट ऑफ माइनस वन अंडर रूट ऑफ माइनस वन ना लिखना पड़े, ठीक है, हमें हर बार अंडर रूट ऑफ माइनस वन ना लिखना पड़े, इसलिए हमने क्या बोला इसको सिंपलाइज कर दे। जैसे पाई होता है 3.14, वो इतना लंबी सी वैल्यू है, हर बार वो वैल्यू ना लिखनी पड़े, उसकी जगह पे हमने क्या बोल दिया, पाई, सिंबल पाई इज अ सिंबल, राइट। ऐसे इसको सिंबलाइज कर दिया तो क्या बन जाएगा, देखो यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ फोर इज प्लस टू, इट्स नॉट प्लस माइनस, इट इज प्लस, तो क्या आ जाएगा ये टू, एंड ये आ जाएगा आइटा, तो बेसिकली आ जाएगा प्लस माइनस टू आइटा। ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस आइटा, ये आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आइटा। तो इस पूरी इक्वेशन का आंसर आया ये, इस इक्वेशन का आंसर आया मेरा ये, एंड इस इक्वेशन का आंसर आया ये। चेक करो जरा एक बार, गो थ्रू करो ये चीज कैसे पहुंचे यहां तक, गो थ्रू करो जरा, ठीक है। अब सबसे पहले आइटा के बारे में पढ़ते हैं, आइटा की डिफरेंट प्रॉपर्टीज वगैरह को स्टडी करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, आइटा की पावर वन, आइटा की पावर टू, आइटा की पावर थ्री, आइटा की पावर फोर। आइटा के डिफरेंट पार्ट्स का मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे, ठीक है, आइटा के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे हम निकालेंगे। मान लो आइटा की पावर, भैया कोई भी थ्री डिजिट नंबर बोलो, 111 ये आ गया, ठीक है, कोई भी और थ्री डिजिट नंबर बोलो, 333, कोई भी थ्री डिजिट नंबर बोलो इनसे अलग, 372, चलो वन बाय, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, राइट। आयटा की कोई भी रैंडम पावर अगर आ गया तो उसको कैसे निकालना है, अब वो चीज हमें देखनी है। तो आयटा की डिफरेंट पावर्स देख रहे हैं एंड यहां पे पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, आयटा की पावर वन, दैट इज आयटा, आयटा स्केयर क्या था, अभी आया था आयटा का स्केयर माइनस वन, ये क्लियर है पक्का। अच्छा, आइटा के क्यूब को लिख सकता हूं मैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा की पावर वन, और बेसिकली आइटा की पावर थ्री को लिखा मैंने टू प्लस वन ना, और टू पावर अलग कर दिया, वन पावर अलग कर दिया, ये कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज आइटा स्क्वायर, माइनस वन, तो ये आगे माइनस वन इंटू आइटा की पावर वन, दैट इज माइनस वन, आइटा क्यूब की वैल्यू चली गई माइनस आइटा, ये क्लियर है पक्का। अच्छा, आइटा की पावर फोर को लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, हाँ या ना, बेसिकली ऐसा लिखा प्लस टू, टू फोर को लिखा टू प्लस टू, और पावर में एडिशन होता है तो ये अलग अलग हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या था माइनस वन, आइटा स्क्वायर क्या था माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, तो आइटा की पावर वन आइटा, आइटा की पावर टू
माइनस वन, आइटा की पावर थ्री माइनस आइटा, आइटा की पावर फोर प्लस वन, यहां तक कोई डाउट? अब अगर मैं आइटा की पावर फाइव करूंगा बच्चे, तो ये आइटा की पावर फोर इंटू आइटा की पावर वन चला जाएगा ना, और आइटा की पावर फोर क्या मेरा, वो तो प्लस वन है, हाँ है ना, आइटा की पावर फोर तो प्लस वन है, तो इधर प्लस वन आ गया तो क्या बचा सिंपली आइटा की, तो आइटा की पावर फाइव की वैल्यू आइटा की पावर वन होगी, हाँ है ना। अच्छा व्हाट अबाउट आइटा की पावर सिक्स, होगा आइटा की पावर फोर इंटू आइटा की पावर टू, पावर सिक्स को टू एंड फोर अलग कर दिया, पर ये वन आ गया तो ये बचा आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज, बट स्टिल मैं ये कहना चाहता हूं आइटा की पावर फाइव का आंसर आया आइटा की पावर वन वाला, आइटा की पावर सिक्स का आंसर आया आइटा स्क्वायर। ये मैं वही चीज बतानी थी, आइटा की पावर सेवन आ जाएगा आइटा की पावर फोर इंटू आइटा क्यूब, ये वन हो गया बचा आइटा क्यूब, यानी कि इसका भी आंसर आइटा की पावर थ्री वाला जा रहा है, दैट इज माइनस आइटा, आइटा की पावर फोर सॉरी एट, आइटा की पावर फोर इंटू आइटा की पावर फोर, ये वन हो गया तो बचा आइटा की पावर फोर, तो इसका ये वाला आंसर चला गया, हाँ है ना। तो चार चार के ग्रुप के बाद ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा, ये समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो ये पैटर्न ऑब्जर्व किया हमने, कोई डाउट यहां तक? डाउट आ रहा है, बिल्कुल ले सकते हैं। अरे मैंने पता क्या किया, मेरे को ये देखना था कि ये जो चीज है इन चारों में से किसके साथ मैच करती है, उसके लिए मेरे को जो जितनी पावर हट सकती है वन वन हो सकती है वो हटाया मैंने, एटा की पावर फोर वन होता है ना, तो वो हटाया, इसलिए देखा कि बाद में जो बचा वो उसके साथ मैच हो जाएगा। आप वैल्यू निकालने की बात करो, वैल्यू तो ऐसे निकाल सकते हैं, वो आप बिल्कुल सही हो, आप गलत नहीं हो, और क्लियर है पक्का रब? तो क्लियर है, आगे देखो। अब मेरे को ये बताओ, किसी भी नंबर को जब मैं फोर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? वन टू थ्री। जीरो भी तो आ सकता है बच्चे, वो तो पूरा उसका जो फोर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो या तो रिमाइंडर जीरो, या तो वन, या तो टू, या तो थ्री। रिमाइंडर फोर आने का मतलब वापस से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली वैसे भी रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या बोलती है कि नॉट रिमाइंडर थ्योरम बट यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या बोलता है कि किसी भी नंबर से जब मैं डिवाइड करूं, जैसे फोर से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर ज्यादा से ज्यादा क्या जा सकता है, एन माइनस वन तक, एक कम तक। फोर है तो रिमाइंडर क्या जा सकता है, थ्री। अच्छा अगर फाइव से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, राइट। अच्छा फोर से डिवाइड करके, अब देखो किसी भी नंबर को अगर मैंने फोर से डिवाइड किया, अच्छा अपना वो डिवीजन वाला क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस, ये पता है ना डिविजन लेमा, यूक्लिड्स डिविजन लेमा, ये क्लियर है ना सबको, राइट। अब देखो मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, लेट्स से वी हैव नंबर x, अब x को किससे डिवाइड करो, फोर से, तो डिवाइजर इज फोर, लेट्स से क्वेश्चन आया n, अब या तो रिमाइंडर आएगा जीरो, या तो रिमाइंडर आएगा वन, या तो रिमाइंडर आएगा टू, या तो रिमाइंडर आएगा थ्री, हाँ या ना। तो एनी नंबर कैन बी रिटन एज आइदर फोर एन और फोर एन प्लस वन और फोर एन प्लस टू और फोर एन प्लस थ्री, हाँ या ना। अब जैसे अगर आइटा की पावर ये वाला टाइप का नंबर चला गया, मतलब आइटा की पावर में एक ऐसा नंबर जो फोर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर जीरो आता है, तो उसका वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको लिख सकता हूं आइटा की पावर फोर की पावर एन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये रूल पता है, नहीं पता? यस सर। पक्का शर्मिष्ठा? पक्का। तो आइटा की पावर फोर क्या था हमारा, प्लस वन, तो वन की पावर एन, वन की तो जो मर्जी पावर करो वो क्या आता है, वन। तो भैया आइटा की पावर एक ऐसा नंबर करो जो फोर से हमेशा डिवाइड हो जाता है, जो फोर से डिविजिबल है, रिमाइंडर जीरो आता है, तो वो क्या, उसका वैल्यू क्या बन के जाएगी, वन। तो जैसे आइटा की पावर 16, अब 16 फोर से डिवाइड हो जाता है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे, वन। आइटा की पावर 64, वन। आइटा की पावर 124, वन। आइटा की पावर 1000, वन। आइटा की पावर लेट से 444, वन। ये सारे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, फोर से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो आता है, उनका पावर, उनका अगर वो 25 पावर में है तो आइटा की, तो उसका आंसर क्या जाएगा, वन। अब आगे आगे आ रहा हूं, अभी तो फर्स्ट का बताया भैया, क्लियर हुआ जहां तक? अब आइटा की पावर अगर 4n प्लस 1 वाला आ जाए, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ रहा है 4 से, तो अब देखो इसको लिख सकते हो आइटा की पावर 4n इनटू आइटा की पावर 1, पावर 1 अलग कर दिया, आइटा की पावर 4n क्या होता है, 1, तो क्या बचेगा, 1 आइटा,
तो जिनका फोर से डिवाइड करके रिमाइंडर वन आता है उनको सिंपली एटा की पावर वन लिख देंगे। अच्छा एटा की पावर फोर एन प्लस टू, तो एटा की पावर फोर एन इंटू एटा की पावर टू, ये वन हो गया तो बचा एटा की पावर टू, तो जो रिमाइंडर है बेसिकली वो बचेगा और फोर हट जाएगा है ना। एटा की पावर फोर एन प्लस थ्री, इसको एटा की पावर फोर एन इंटू एटा की पावर थ्री, ये गया तो बचा एटा की पावर थ्री, ये माइनस वन आ गया, ये आ गया माइनस एटा। तो इस तरीके से ये वाला ये अब मैं ये बताता हूँ यूज कहां पे करना, ये पूछ रहे हो ना आप। अब देखो आपने क्या बोला था एटा की पावर, नहीं नहीं अरे पहले एग्जांपल से पूछा था ट्रिपल वन। अब मेरे को ये बताओ ट्रिपल वन को फोर से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा, थ्री। ओरली निकाल सकते हो या नहीं पहले ये बता दो, नहीं ओरली आता किसी को निकालना या नहीं आता, नहीं आता कॉन्फिडेंटली बोल नहीं आता, हाँ तो बात खत्म। पर अब ओरली आता निकालना फोर से डिवाइड करके रिमाइंडर, क्या ओरली आता है इसको फोर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, थोड़ा सा निकल जाएगा पर बिना तो मतलब रिमाइंडर का मतलब अगर टू रिमाइंडर आ रहा तो ऊपर वाला कर्व आ जाएगा नीचे वाला नहीं आएगा, थोड़ा आ जाएगा मतलब मतलब मैं कर लूंगी पर थोड़ा सा थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा एक बात बताओ फोर का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ओ लास्ट वाला नंबर जिसका लास्ट टू डिजिट नंबर, तो बस बात खत्म। इसके लास्ट टू डिजिट पकड़ो वन वन, इलेवन को फोर से डिवाइड करो एट गया तो बचा क्या तो रिमाइंडर थ्री आ गया, बात खत्म हो जाएगा। अब ओरली हो जाएगा लास्ट टू डिजिट तो करना वो तो कर ही सकते हो, गुड हार्मोनियम है क्या कर दे भाई, तू तो बेटा बेटा बंद कर सकता है इतनी हाइट है तेरी, ट्राई कर जरा, ट्राई तो कर, ये ट्राई थोड़ी ना था यार, कर 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 थोड़ा थोड़ा, अरे थोड़ा सा और, अरे कोशिश कर यार थोड़ी कर। तुझे एटा की पावर थ्री, एटा की पावर थ्री क्या होता है एटा क्यूब माइनस एटा, माइनस है तो इसका आइटा की बार ट्रिपल वन का आंसर क्या आ गया माइनस आइटा। अब आपने क्या बोला था आइटा की बार ट्रिपल थ्री, करो जरा रिमाइंडर जल्दी वन, लास्ट टू डिजिट 33, 32 गया रिमाइंडर वन, तो ये रिमाइंडर वन है तो आइटा की बार वन आंसर, बात करता हूं। आपने क्या बोला था आइटा की बार 372, लास्ट 72, 72 को करो जरा फोर से पूरा जाएगा रिमाइंडर जीरो, तो दैट इज आइटा की बार जीरो नहीं लिखेंगे इसको डायरेक्टली वन लिखेंगे जो इस टाइप के नंबर है, आई होप क्लियर हुआ राइट पक्का। अच्छा अगर वन बाय आइटा की पावर 39 आ जाए तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो याद रखना आइटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते, उसको कहां पे शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में। एक्चुअली में यहां पे अंडर रूट तो है नहीं, रैशनलाइज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन, वर्ड यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन ठीक है। अब सबसे पहले इधर आइटा की वैल्यू निकाल दो, मतलब आइटा की बार 39 को फोर से डिवाइड किया रिमाइंडर 36 गया बचा 3, तो ये बन जाएगा 1 बाय आइटा क्यूब। अब आइटा क्यूब क्या होता है, अब आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अब ध्यान से देखना जरा क्या बना, आइटा नीचे क्या आ गया माइनस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, माइनस वन इंटू माइनस, तो ये बचा सिंपली प्लस आइटा, तो वन बाय आइटा के बाद 39 की वैल्यू क्या बन जाएगी आइटा। आई होप क्लियर हुआ, श्योर देख लो आइटा के बाद 39, 3 से 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3, तो ये बन गया आइटा क्यूब, आइटा क्यूब लिखा माइनस आइटा, फिर आइटा को ऊपर लेके जाने के लिए आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर आइटा इंटू 1 आइटा, नीचे आइटा स्क्वायर इंटू माइनस, तो माइनस आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर क्या हो गया मेरा माइनस 1, माइनस वन इंटू माइनस प्लस वन, तो नीचे तो वन बन गया तो बच्चा सिर्फ आइटा, क्लियर है चले yes. हाँ जी प्रब क्लियर है yes, sir. ठीक है। अच्छा अब कोई भी एक नंबर बोलो, टू डिजिट थ्री डिजिट फोर डिजिट कुछ भी, 36। अब आइटा के बाद 37, आइटा के बाद 38, आइटा के बाद 39, बेसिकली जहां से शुरू किया वहां से आगे चार कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया हमने आइटा की पार में और उनको ऐड कर रहे हैं,
तो ये क्या बना, फोर कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आइटा, कहीं से भी शुरू करो फर्क नहीं पड़ता। और देखो आइटा के बाद 36, फोर से डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो, तो क्या आ जाएगा वन, रिमाइंडर वन तो आइटा की बार वन, रिमाइंडर टू आइटा की बार टू, रिमाइंडर थ्री आइटा की बार थ्री, तो वन प्लस आइटा, आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, आइटा क्यूब माइनस आइटा, प्लस आइटा माइनस आइटा कटा, प्लस वन माइनस वन कटा, तो क्या आ गया जीरो। तो बेसिकली फोर कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आइटा का सम क्या होगा जीरो, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। क्या आइटा की पार एन प्लस वन, आइटा की पार एन प्लस टू, आइटा की पार एन प्लस थ्री, ये क्या जाएगा जीरो। आइटा की पार एन कॉमन लो वन प्लस, और देखो चलो पहले ये देखो, आइटा की पार एन प्लस, आइटा की पार एन प्लस वन को क्या लिख सकता हूँ, आइटा की पार एन इंटू आइटा की पार वन, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, आइटा की पार एन इंटू आइटा की पावर टू, प्लस इसको आइटा की पावर एन इंटू आइटा की पावर थ्री। अब आइटा की पार एन कॉमन सब में से, बचा वन प्लस आइटा की पार वन, आइटा की पार टू दैट इज माइनस वन, आइटा की पार थ्री दैट इज माइनस आइटा, माइनस आइटा ये आइटा की पार वन था आइटा, माइनस आइटा प्लस आइटा कटा, प्लस वन माइनस वन कटा, तो क्या आ जाएगा आइटा की पार एन दैट इज जीरो। तो फोर कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आइटा का सम क्या होगा जीरो। क्लियर हुआ पक्का, सब क्लियर है? यस सर। चलो आगे, अब ये था सब कुछ आइटा के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों नंबर का, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज ए प्लस आइटा बी, रियल नंबर। अब देखो आइटा जिसके साथ लगेगा वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर, ये समझे पक्का। इसका कारण पता है क्यों, आइटा जिसके साथ भी लगेगा वो इमेजिनरी नंबर क्यों बन जाएगा, कारण पता है क्यों, क्योंकि उसके अंदर रूट ऑफ माइनस वन है। देखो कोई भी नंबर बोलो 36 आइटा, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, क्यों, क्योंकि भैया अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, करो स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर एंड साथ में आइटा का, और आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो आ गया नेगेटिव ऑफ 36 का स्क्वायर, इट्स अ नेगेटिव नंबर। और हमारी डेफिनेशन क्या थी आइटा की, इमेजिनरी नंबर की, कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव आ जाता है वो नंबर क्या होता है इमेजिनरी, क्यों, क्योंकि भैया रियल नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो, नेगेटिव हो नहीं सकता। डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो पक्का, श्योर ना, कौन सा जा रहा श्योर, चलो अब तो आइटा किसी भी नंबर के साथ लगेगा तो वो क्या बन जाएगा इमेजिनरी, तो दिस इज इमेजिनरी नंबर, दिस इज रियल नंबर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नाउ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, तो जैसे 3 प्लस 4 आइटा माइनस 3 प्लस 4 आइटा माइनस 3 माइनस 4 आइटा एंड 3 माइनस 4 आइटा, 2 माइनस 0 आइटा, 4 माइनस 6 आइटा, 0 माइनस 2 आइटा, ये सारे के सारे नंबर क्या है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट एंड एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखो इसको लिखने का तरीका आर ई ऑफ जेड एंड इसको लिखने का तरीका आई एम ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब ध्यान से देखो जो रियल पार्ट ऑफ जेड होगा वो क्या होगा, जैसे मान लो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जेड है ना, जेड ए प्लस आइटा बी लेके जा रहे हैं, तो भैया इसका रियल पार्ट क्या आएगा ए, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा आइटा बी या बी, इट्स बी। बेसिकली इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आइटा इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ आइटा जो होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, दैट मींस आइटा नहीं आता उसके साथ। अब ध्यान से चेक करो, जैसे इधर ये है इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, अच्छा इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट फोर, रियल पार्ट माइनस थ्री, इमेजिनरी पार्ट फोर, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, अच्छा ये टू माइनस जीरो आइटा,
फोर माइनस सिक्स आइटा, जीरो माइनस टू आइटा. अच्छा रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, माइनस जीरो इज जीरो. अच्छा रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट. बिल्कुल ये समझे. अब ये दोनों चेक करो, ये तो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इमेजिनरी पार्ट एक्चुअली इज ए व्हाट, रियल नंबर. क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आइटा, आइटा के जो साथ लगा होता है, उसके अंदर आइटा तो आया नहीं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, रियल नंबर. जैसे फोर आइटा, तो आइटा के साथ क्या लगा, फोर, तो फोर इमेजिनरी पार्ट होगा, आइटा नहीं साथ में आएगा. ये समझ में आ रहा है पक्का? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है. तो ये दो पार्ट आ गए. अच्छा अब देखो, एफ z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, ठीक है, z क्या है हमारा, x प्लस आइटा y, एंड इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, x प्लस आइटा y का रियल पार्ट क्या है, अगर वो जीरो हो जाए, यानी कि x जीरो हो गया, अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, सॉरी अपना रियल पार्ट जीरो हो जाए, रियल पार्ट z का जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यहां पे x जीरो हो जाएगा, तो z क्या बन जाएगा मेरा, जीरो प्लस आइटा वाई, दैट इज सिंपली आइटा वाई. हाँ है ना? यस सर. ये तो प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी, राइट, रियल पार्ट बचे नहीं, तो दिस बिकम्स प्योरली इमेजिनरी. नहीं नहीं जीरो, देखो इसको हटाएंगे अगर, तो ही जाके आइटा बचेगा ना पूरा का पूरा, तो प्योरली इमेजिनरी तभी बचेगा. ये स्पेशल केस कर रहे हैं, एक स्पेशल केस है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो हो जाए, जैसे ये था, इसका रियल पार्ट क्या है, तो ये नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसके अंदर जीरो तो हटा दो, बात खत्म, ये माइनस टू आइटा है, प्योरली इमेजिनरी, इसका रियल पार्ट है ही नहीं. ऐसे ही अगर मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो हो जाए, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो हो जाए, तो क्या जाएगा वो, अब ये जीरो हो गया, वाई जीरो हो गया, तो बचा क्या, एक्स, x is purely real, ये बन जाएगा purely real number. Clear हुआ? हाँ जी, online clear हुआ? Yes sir. Yes sir. ठीक है. सबसे पहला ऑपरेशन में आ जाता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे, ठीक है, तो a प्लस आइटा b इज इक्वल टू c प्लस आइटा d, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे, जब उनका रियल पार्ट बराबर होगा एंड इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा, यानी कि a मस्ट बी इक्वल टू c एंड b मस्ट बी इक्वल टू d, A must be equal to C and B must be equal to D. Clear हुआ? Example. वो बोल रहा है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो अब अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो बोल रहा find x and y. तो इधर का रियल पार्ट क्या जा रहा है, x का 2, x plus 2, उधर का. अच्छा अगर ऐसा लिखा होता, अब रियल पार्ट क्या जाता, फिर भी फोर ही रहता. बिल्कुल, फिर भी फोर ही रहता, आगे पीछे होने से फर्क नहीं होता, आइटा के जो साथ लगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, आइटा को छोड़ के बाकी जो लगा वो रियल, तो क्या आ जाएगा, फोर. एक्स प्लस टू मस्ट बी इक्वल टू फोर, एक तो ये आ गया, राइट, देन इमेजिनरी पार्ट थ्री, इधर तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, फोर, एंड टू को उधर ले जाओ, एक्स की वैल्यू टू, तो फॉर एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू फोर, यस दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल. क्लियर हुआ? हाँ जी प्रभ, क्लियर हुआ? यस सर. अगर इक्वल, बीच में इक्वल टू किया ना, अरे एक्स एंड वाई नहीं इक्वल होंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाएंगे, मतलब एक्स को इधर टू पुट करके आ गया फोर प्लस थ्री आइटा, इधर वाई को फोर पुट कर
फोर थ्री आइटा, तो फोर प्लस थ्री आइटा, फोर प्लस थ्री आइटा बराबर हो गया ना, ये चीज ठीक है। फिर आ रहा है हमारा अगला प्रॉपर्टी, सॉरी अपना ऑपरेशन, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। देखो लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। तो ए प्लस आइटा बी प्लस सी प्लस आइटा डी क्या हो जाएगा? रियल को रियल के साथ करो तो ए प्लस सी प्लस आइटा टाइम्स, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ दैट इज बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस सी प्लस आइटा टाइम्स बी प्लस सी, तो जैसे वन प्लस टू आइटा प्लस माइनस थ्री प्लस फोर आइटा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ तो बचा वन माइनस थ्री प्लस आइटा कॉमन, तो क्या बचा टू प्लस फोर, डन। क्या बना? माइनस टू प्लस सिक्स आइटा, क्लियर हुआ? श्योर, क्लियर है? ठीक है, अच्छा सब्ट्रैक्शन सेम वे में, बीच में माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा। जैसे वन प्लस टू आइटा माइनस माइनस थ्री प्लस फोर आइटा, ब्रैकेट ओपन कर दो, वन प्लस टू आइटा माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस थ्री एंड माइनस फोर आइटा, तो वन प्लस थ्री फोर, टू आइटा माइनस फोर आइटा माइनस टू आइटा, डन। तो रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन के अंदर रियल को रियल के साथ ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना, क्लियर हुआ? चले आगे, राइट। अब देखो ये आज ही नोट्स बना लेना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो अगला थर्ड मल्टीप्लिकेशन, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कब होंगे, ठीक है। तो सॉरी अगर मल्टीप्लाई हुए तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, तो ए प्लस आइटा बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आइटा डी। तो जैसे पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन करते थे, क्या इधर का एक नंबर जो है वो इधर के सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर अगला नंबर सबके साथ होगा, सेम चीज इधर, तो ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय सी ए सी, ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय आइटा डी दैट इज आइटा ए डी, आइटा बी इंटू सी तो दैट इज आइटा बी सी, एंड आइटा बी इंटू आइटा डी क्या आ जाएगा, आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर बी डी, राइट। अब अच्छा आइटा स्क्वायर किया था माइनस वन, तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, एंड इन दोनों से आइटा कॉमन ले लिया, क्या बचा ए डी प्लस बी सी, दैट्स इट, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। जैसे टू प्लस फोर आइटा इंटू वन माइनस थ्री आइटा, ठीक है। तो क्या करोगे, टू को दोनों के साथ, वन के साथ टू, टू को माइनस थ्री आइटा के साथ माइनस सिक्स आइटा, फोर आइटा को वन के साथ फोर आइटा, एंड फोर आइटा को माइनस थ्री आइटा के साथ, देखो एक माइनस आएगा, एक फोर थ्री दा ट्वेल्व आएगा, एंड साथ में आइटा इंटू आइटा आइटा स्केयर आएगा, तो टू, अच्छा आइटा स्केयर इज माइनस वन, माइनस इंटू माइनस तो प्लस ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, माइनस सिक्स आइटा प्लस फोर आइटा, डन, दिस इज अ प्रोडक्ट, क्लियर हुआ? हो जाएगा सिंपल सा ये रूल, प्रॉब क्लियर है? अब डिवीजन, ए प्लस आइटा बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आइटा डी, राइट। अब इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने का मतलब देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन थी हमारी वो क्या थी, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, इसके डिनोमिनेटर में आइटा वाइटा कुछ है क्या, ना, तो हमेशा आइटा वाली टर्म कहां पे होनी चाहिए, न्यूमरेटर में, राइट। तो दैट इज वाई हम ये सी प्लस आइटा डी के अंदर से आइटा को हटाना है, उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, क्या ए प्लस आइटा बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आइटा डी इंटू सी माइनस आइटा डी डिवाइडेड बाय वही रैशनलाइजेशन वाला स्टेप, राइट। इससे क्या होगा, देखो नीचे क्या बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस आइटा डी का होल स्क्वायर, ये क्लियर हुआ, राइट, पक्का। ऊपर ए सी ए इंटू माइनस आइटा डी, तो माइनस आइटा ए डी, माइनस आइटा ए डी, अच्छा आइटा बी इंटू सी आइटा बी सी,
Now b into minus d minus bd and eta into eta eta square. तो eta square minus 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 plus. तो ac plus bd. इधर से eta common bc minus ad. इधर eta square minus one minus minus plus. तो बचा c square plus d square. डन. ये मेरा रियल पार्ट बन गया, ये मेरा आइटा के साथ है तो इमेजिनरी पार्ट बन गया. थोड़ा देखने में गंदा जाता है बट इनका करके दिखाता हूं एग्जांपल तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो देखो क्या चीज, 2 प्लस 4 आइटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आइटा. राइट, क्या करोगे इंटू 1 प्लस 3 आइटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आइटा. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 3 आइटा का स्क्वायर. ऊपर 2 into 1, 2, 2 into 3, 6, 4 eta into 1, 4 eta into 3 eta, eta square, तो इधर आ गया minus, तो 2 minus 10, 12, minus 10, 6 plus 4, 10 eta, divided by, अच्छा, eta का square, minus minus, 3 का square, 9, 9 plus 1, 10, अच्छा, तो ये बना minus 10 by 10, प्लस 10 आइटा बाय 10, तो 10 10 कट के क्या आ गया माइनस 1 प्लस आइटा, तो ये इन दोनों का डिवीजन आ गया. आई होप क्लियर हुआ. तो अगर कोई मेरे को पूछे कि इस पूरी चीज का रियल पार्ट क्या है, तो इस पूरी चीज का रियल पार्ट मैं ये नहीं बोलूंगा ऊपर का रियल पार्ट नीचे का रियल पार्ट, नहीं, मैं एक्चुअली में इसको पहले a प्लस आइटा b वाली फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, फिर इसका जो रियल पार्ट होगा वो इसका रियल पार्ट. इसकी पूरी चीज का रियल पार्ट क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, आइटा के साथ लगा प्लस 1. क्लियर हुआ? हाँ जी प्रॉब, क्लियर हुआ? थोड़ा सा मिसमैच हुआ. हाँ जी बोलो बोलो कहाँ पे. प्रॉब एक सेकंड, प्रॉब एक सेकंड. हाँ जी दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. हाँ जी प्रॉब. सर एक बार लास्ट स्टेप फिर से समझा दो. मैं लास्ट स्टेप समझा रहा हूँ, उससे पहले बाकी बच्चे ये क्वेश्चन कर लो, ट्राई कर लो, है ना. अब इसके अंदर लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो माइनस 12 था 2 के साथ मिलके हो गया मेरा माइनस 10, इसके साथ हो गया 10, नीचे तो 3 का आइटा का स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा. तो 10 को या तो ऊपर नीचे काट दो, काटने के लिए मैंने अलग अलग कर दिया, माइनस 10 बाय 10 रियल पार्ट आ गया, 10 बाय 10 आइटा इमेजिनरी पार्ट. 10 10 कटा, 10 10 कटा, तो माइनस 1 हो गया, ये आइटा हो गया, बात करो. ओके ओके ठीक है, अभी एक बार करो जरा, सिंप्लीफाई करो जरा इसको.